जंग में धूल चटाने के लिए वायुसेना के फाइटर प्लेन भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली फाइटर प्लेन्स के बारे में, जो किसी भी जंग का रुख बदल सकते हैं। नंबर 1, F-35 लाइटनिंग। अमेरिकी वायुसेना का F-35 दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान है। स्टेल्थ तकनीक से लैस ये विमान एक साथ कई परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे कोई भी देश मात नहीं दे सकता। बता दें कि इस लड़ाकू विमान को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत को पहले ही ये विमान बेचने की पेशकश कर चुकी है। नंबर 2, सुखोई। सुखोई फाइटर प्लेन को दुनिया के सबसे स्मार्ट और तेज तरार लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। T-50 सुखोई हो या फिर भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सुखोई 30 MKI, इसके सभी वर्जन दुश्मन को हैरान करने के लिए काफी है। सुखोई का सबसे एडवांस्ड वर्जन T-50 सुखोई स्टेल्थ तकनीक से लैस हो चुका है। सुखोई की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार और दुश्मन को चकमा देने की क्षमता है। इस विमान को फाइटर प्लेन्स की 5वीं पीढ़ी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ये विमान सिर्फ भारत और रूस के पास है। नंबर 3, F-22 रैप्टर। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और महंगे विमानों में शुमार है। ये लड़ाकू विमान इतना खतरनाक है कि ये पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने के कारण F-22 किसी देश के रडार में नहीं आता है। पहले अमेरिका कई अन्य देशों को इसे बेचता था, लेकिन अब अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है। नंबर 4, यूरोफाइटर टाइफून। ये लड़ाकू विमान को जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने मिलकर विकसित किया है, इसलिए इस विमान को यूरोपीय यूनियन भी कहा जाता है। ये एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हथियार ले जाने, दुश्मनों पर वार करने, दुश्मन देशों को चकमा देने का काम करता है। इस लड़ाकू विमान में खुद का रडार भी है। इस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल ज्यादातर हमलों में किया जाता है। नंबर 5, F-15 स्ट्राइक ईगल। ये दुनिया का बहुत तेजी से वार करने वाला फाइटर प्लेन है। ये अमेरिकी लड़ाकू विमान चौथी पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स का अहम हिस्सा रह चुका है। ये फाइटर प्लेन बहुत ही शक्तिशाली है। इसके जरिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराकी सेना पर हमला किया था और पूरी इराकी वायुसेना को तहस नहस कर दिया था। नंबर 6, तेजस। फाइटर प्लेन्स की लिस्ट में भारत का लड़ाकू विमान तेजस भी काफी आगे है। ये 5वीं पीढ़ी के विमानों के तौर पर विकसित किया गया है। इसकी खासियत है कि ये विमान खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। ये महज 15 मिनट में ही पाकिस्तान पहुंचकर उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ये वजन में काफी हल्का है और इसी के चलते ये विमान बहुत जल्द दुश्मन देश के इलाके में घुस जाता है। नंबर 7, सी हारियर। इस विमान को ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था। ये तीसरी पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स का एक अहम हिस्सा रह चुका है। भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुका ये विमान समुद्र से जमीन पर वार करने में सक्षम है। इसमें हथियार भी ले जा सकते हैं। इस फाइटर प्लेन के दम पर ही ब्रिटेन ने फॉकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्धों और बालकन तनाव के समय में भी हमला किया था। इस विमान का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स के अलावा भारत भी कर चुका है। नंबर 8, डसॉल्ट राफेल। ये प्लेन फ्रांस सेना का एक अहम हिस्सा है। ये काफी आधुनिक तकनीक से बना है। इसमें परमाणु हमला करने की भी क्षमता है। इसका खुद का रडार सिस्टम है। इसी के जरिए ये दुश्मन टीम का पता लगाता है। ये 3 श्रेणियां, सिंगल सीटर जमीनी हमले के लिए, डबल सीटर जमीन से हमले के लिए और राफेल एम सिंगल सीटर नौसेना के लिए उपलब्ध है। अब इसे भारत में भी विकसित किया जा रहा है। भारत को जल्द ही 36 राफेल विमान मिलने वाला है। नंबर 9, ग्रिपेन। ये फाइटर प्लेन स्वीडन का है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। ये कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये विमान दुनिया में सबसे तेज Mach 2 स्पीड सुपरसोनिक से हमला कर सकता है, तो बहुत ही छोटे 25 मीटर हवाई पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। इसकी खासियत इसका किफायती होना है। इस विमान के रखरखाव का खर्च काफी कम होता है। नंबर 10, चेंगदू J-10। ये लड़ाकू विमान चीन का है। ये प्लेन पाकिस्तान के पास भी है, जिसका नाम थंडर है। चेंगदू की खूबी ये है कि ये किसी भी मौसम में तेजी से हमला कर सकता है। इसमें लेजर गाइडेड बम्स के साथ सैटेलाइट गाइडेड बम्स का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके चलते इसकी मारक क्षमता बहुत तेज है। ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी करने में सक्षम है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपके हिसाब से इंडिया में मौजूद फाइटर प्लेन्स में से कौन सा फाइटर प्लेन ज्यादा पावरफुल है।